सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। पर्वत भी झुकते हैं कहीं कहीं, दरिया भी रुकते हैं कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानियां। ठोको ताली, मत रोको मत रोको, ठोको ठोको भैया ठोको। दल पगलू शिकंजे में, फंसा शिकंजे में और मोहर लगेगी पंजे में। ठोको भैया महिला जी, ठोको हो गया महिला सशक्तिकरण। ये पांचों उंगलियां कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है, कोई मोटी है, लेकिन जब इकट्ठा हो जाती है, जब इकट्ठा हो जाती है तो भूसा बन के सामने बत्ती सी निकाल देती है। नरेंद्र मोदी कच्चे रूठ हो रही है भैया, खा गए तुम। नरेंद्र मोदी तुम मुद्दों से भाग रहे हो, तुम इन भगौड़ों के साथ खुद भगौड़े हो गए हो। अब तुम नोटबंदी की बात नहीं करते, अब तुम जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स की बात नहीं करते, अब तुम 15 लाख रुपए की बात नहीं करते, 6,090,00,000 करोड़ 750 करोड़ जमा करवाए। जवाब तो इस बात का, राजकोट में गुजरात के तुम्हारे मंत्री जयंती भाई, उन्होंने 600 करोड़ जमा कराया कि नहीं? गोपीनाथ मुंडे की बेटी मैडम मुंडे 700 करोड़ उन्होंने जमा कराया कि नहीं? तुमने 22,500 करोड़ काला धन गुलामी करके बैंकों में छुपाया कि नहीं? और 5 दिन में यदि कोऑपरेटिव बैंक में 5 दिन में 750 करोड़ जमा हुआ है तो उसके लिए 1 घंटे में 12,000 लोगों को 2.5 लाख जमा कराना। अरे भाई, 1 घंटे में 12,000 लोग अगर कतार में खड़े होते और जमा कराते तो 1 घंटे में 5 दिन में 750 करोड़ जमा होता। और मैं तुम्हें टंके की चोट पे कहता हूं अमित शाह साहब कि अगर 12 लोग जमा करा देना 2.5 लाख 1 घंटे में कोऑपरेटिव बैंक में तेरी टांगों से निकल जाऊंगा। चोर हो तुम, डाकू हो तुम, तुमने इस देश को लूट के अंबानियों और अदानियों के हाथ में बेच दिया है। इसलिए मैं जो बात करके जा रहा हूं वो पक्की है। अरे पहले चाचा नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, महात्मा गांधी ने, इन्होंने देश आजाद करवाया था गोरे अंग्रेजों से। हमारी लड़ाई काले अंग्रेजों से है, काले अंग्रेजों से हमें इस देश को आजाद करवाना है। और ये बात पक्की है, मोदी जी को लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। ठोको ठोको ताली ठोको है, ये तो भक्तों ने खोद के निकाला है, नहीं तो देश तो था ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल था नहीं। अरे मोदी, जिस दिन तुम पैदा नहीं हुए थे अंबेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया। जब तुम लल्ला बन के मां की गोद में झूल रहे थे तो चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया। चलना नहीं सीखे थे तो IIT IIM बन गए थे। जब गुजरात में तंगे हो रहे थे तो भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। और जब तुम स्कूल को पढ़ने के लिए निकले थे मोदी जी, तब इंदिरा जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन लाके भारत को समृद्ध राज्य बना दिया था। और जब तुम RSS में डंडे चलाने सीख रहे थे ना शाखा में, तब हमने 3 जंगें जीत ली थी हिंदुस्तान। तुम बात करते हो अरे अगर कांग्रेस पे विश्वास था तभी 70 साल कांग्रेस इस देश की सेवा में रही है। और तुमने क्या दिया है ये भी तो बता दो। मैं तुम्हें और एक बात बता रहा हूं, मोदी जी की देखो करामात देखो। अरे पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है, ये यू नीचे, पेट खाली है योगा कराया जा रहा है, जेब खाली है खाता खुलाया जा रहा है, पेट खाली है योगा कराया जा रहा है और जेब खाली है खाता खुलाया जा रहा है। अरे खाने को खाना नहीं शौचालय बनाया जा रहा है। वाह रे वाह मोदी वाह, सब कंपनियां विदेशी है,
मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है और मन में धर्म। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।